जय बाबा स्वामी। हिमालय का समर्पण योग, भाग पहला, पेज नंबर 160। कुछ ही दिनों में मुझे गुरुदेव से लगाव सा हो गया था। उन्हें बार बार अपनी दाढ़ी को सहलाने की आदत थी। वे बड़े शांत चित्त होकर अपनी दाढ़ी को सहलाते थे। वह दृश्य मुझे आज भी रोमांचित करता है। उनका दाढ़ी को सहलाना मुझे अच्छा लगता था। उनकी दाढ़ी सफ़ेद रंग की थी और बहुत लंबी थी। वे एक लकड़ी की कंघी से उसे ठीक करते रहते थे। उनकी दाढ़ी में एक भी बाल काला नहीं था, सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। जब मैं उनके पास में खड़ा रहता था तो सूर्यास्त के समय सूर्य की लाल किरणें जब उनकी दाढ़ी पर पड़ती थी तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता था कि उनकी दाढ़ी ही नारंगी रंग की हो गई है। मुझे वह दृश्य देखना अच्छा लगता था। उनकी दाढ़ी में बड़ा आकर्षण था। ऐसा लगता था मानो उन्हें प्राप्त हुई सारी शक्तियाँ उस दाढ़ी में ही समाई हुई हो। वे जब जमीन पर बैठते थे तो उनकी दाढ़ी जमीन को छूने का प्रयास करती थी, यानी इतनी बड़ी और लंबी थी। पूर्ण सफ़ेद होने के कारण चांदी के समान लगती थी। जब हम पड़ोस की पहाड़ी के ऊपर जाते थे तो सूर्यास्त के समय खूब हवा बहना चालू हो जाती थी और गुरुदेव की लंबी सफ़ेद दाढ़ी हवा से खूब उड़ती रहती थी। वह उड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन पर सफ़ेद दाढ़ी बहुत ही अच्छी लगती थी। वह दाढ़ी उन्हें शायद बड़ी प्रिय थी। एक दिन सुबह गुरुदेव ने एक अलग ही साधना प्रारंभ की। वे बड़े मैदान जैसे स्थान पर बैठ गए और अपने आसपास लकड़ियों से गोलाकार बनाया और मुझे कहा, इसके भीतर बैठकर मैं ध्यान करने वाला हूँ। तुम 3 दिनों तक आसपास की अग्नि में लकड़ियाँ डालते रहना। यह आग अगले 3 दिनों तक जलती रहनी चाहिए और तुम पास में ही रहना ताकि अग्नि सदैव जलती रहे। यह ध्यान रखना आसान होगा। और सुबह सूर्योदय से उन्होंने सूर्य की तरफ मुंह करके अपना ध्यान शुरू किया था। मैंने आसपास खूब लकड़ियां इकट्ठा की जो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद आग में डाल रहा था और अग्नि को बनाए रख रहा था। उनकी क्या साधना थी वे ही जाने, मैं तो उनके आदेश का पालन कर रहा था। आज्ञा पालन करना ही मेरे क्षेत्र का कर्तव्य था, वह कर रहा था, मेरा बस यही काम था। थोड़े थोड़े समय बाद आग में लकड़ियां डालनी पड़ती थी। शाम होने आई थी। मैं मेरे कार्य की देखरेख बराबर ही कर रहा था। मैं साथ साथ यह भी ध्यान रख रहा था कि यह और बाहर ना फैले, क्योंकि गोले के भीतर तो गुरुदेव ने पूर्ण जमीन साफ कर ही रखी थी। वे शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। मुझे लकड़ियों की समस्या नहीं थी, मेरी समस्या थी तेज हवा। नदी की ओर से कभी कभी तेज हवा बहती थी, उसके कारण आग बुझने का डर था। जबकि इसके लिए मैंने बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी थी ताकि अग्नि सदैव जलती ही रहे। तेज हवा का ही सदैव ध्यान रखना पड़ रहा था। कभी कभी आग को तेज जलाने के लिए मैं सूखी हुई घास का भी सहारा ले रहा था। रात तो जैसे तैसे बीत गई, पर सुबह के समय मुझे थोड़ी नींद आने लग गई थी। नींद न आए इसलिए आग के आसपास चक्कर काट रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद सूर्योदय हुआ। अब कहीं साधना का एक दिन पूर्ण हुआ था। फिर धीरे धीरे सूरज ऊपर आने लग गया था। वैसे वैसे हवा चलनी प्रारंभ हो गई और फिर हवा के कारण आग बुझने की और आग फैलने की संभावनाएं बढ़ गई, इसलिए मुझे बड़ा सतर्क रहना पड़ रहा था। दूसरे दिन से मुझ में भी कुछ परिवर्तन अनुभव होने लग गया था। हम आँखों से
जो भी देखते हैं उसे देखने का प्रभाव हमारे चित्त पर होता ही है। अगर अच्छा देखेंगे तो अच्छा प्रभाव होगा और बुरा देखेंगे तो बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि जो देखते हैं उसका सूक्ष्म प्रभाव हमारे चित्त पर होता है, क्योंकि हमारा चित्त हमारी आँखों के द्वारा कुछ ग्रहण करते रहता है, फिर हमारी मानसिकता भी वैसी ही हो जाती है। इसीलिए देखा गया है जहाँ पर हिंसक खेल होते हैं, खूनी खेल होते हैं, जैसे सांडों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, मनुष्यों की लड़ाई, ये जहाँ होते हैं इन सब हिंसाओं का समाज पर भी प्रभाव पड़ता है और समाज भी हिंसक हो जाता है। खून, हत्या, अपराध भी ऐसे समाज में अधिक होते हैं। अगर हिंसा पर सामूहिकता में एकाग्रता की जाए तो हिंसा समाज को भी प्रभावित करेगी। ऐसी हिंसा बड़ा घातक और बड़ा गहरा प्रभाव डालती है। इसीलिए संत महात्माओं ने हिंसा का विरोध किया है। इसलिए हम आँखों से जो दृश्य देखते हैं हमारा चित्त वह सब ग्रहण करते रहता है और हमारे ऊपर वैसा ही प्रभाव भी पड़ते रहता है। एक तो आग न बुझे यह देखने के बहाने से मेरा चित्त तो पूर्ण समय आग के ऊपर ही था, और अग्नि एक पवित्र तत्व है और अग्नि जैसे पवित्र तत्व पर चित्त रखने के कारण मेरा चित्त भी पवित्र होने लग गया था और सतत गुरु सान्निध्य प्राप्त था। उस दिन लगा कि मनुष्य जीवन में सब कुछ अपने प्रयत्न से प्राप्त कर सकता है, बस एक गुरु सान्निध्य ही है जो प्रयत्न से प्राप्त नहीं होता है। गुरु सान्निध्य केवल गुरु कृपा में ही प्राप्त होता है और गुरु कृपा कभी प्रयत्नों से नहीं होती है। गुरु कृपा वास्तव में ईश्वर की कृपा है जो किसी माध्यम से बरसती है। सद्गुरु का सान्निध्य भी बड़ा दुर्लभ योग है, क्योंकि उस सान्निध्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको प्राप्त सान्निध्य को अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करते हो या आत्मा के लिए, इसी पर आगे की भविष्य निर्भर होता है। मैं गुरुदेव का सान्निध्य पाकर धन्य हो गया ऐसा लगा। यह जन्म ही उनका सान्निध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हुआ था। इस सान्निध्य का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है, बस इस सान्निध्य को अनुभव ही किया जा सकता है। सान्निध्य की अनुभूति का आनंद वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने यह प्राप्त किया है। इस कृपा अमृत का स्वाद जिसने चखा है वही जानता है यह क्या है। इसे चखना होगा, दूर से देखकर इसका अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से आम जिसने खाया है वही जानता है कि रस भरे आम का क्या स्वाद होता है, और आम का स्वाद तो क्षण भर का होता है, और यह अक्षय आम का स्वाद है जो एक बार जिसने चख लिया तो वह जीवन भर कभी नहीं भूल सकता है। उस सान्निध्य के स्वाद की तुलना करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। उसका वर्णन करने के लिए शब्द माध्यम नहीं हो सकते हैं। सद्गुरु के सान्निध्य में अपने आप को बड़ा प्रसन्न महसूस कर रहा था। जिस प्रकार से सागर की लहरें उठती है वैसे ही गुरु सान्निध्य में चैतन्य की लहरें उठ रही थी, और प्रत्येक लहर गुरुदेव की कृपा में ही आ रही थी। प्रत्येक चैतन्य की लहर पर आत्मा कहती थी, बस गुरुदेव आपकी करुणा है, बस गुरुदेव आपकी कृपा है, बस गुरुदेव आपकी कृपा का अमृत है, बस गुरुदेव आप करुणा के सागर हो, मैं तो किनारे का बड़ा एक शंख हूँ। प्रत्येक लहर के साथ मेरी आत्मा नतमस्तक हो रही थी, और जितना नतमस्तक हो रहा था महसूस कर रहा था कि लहरें उतनी ही बढ़ रही थी,
मानो मेरी ओर ही खींच रही थी। इतना चैतन्य बरस रहा था कि आंखें बंद हो रही थी और इधर अग्नि की ओर भी ध्यान देना था। बड़ी कठिनाई हो रही थी, मेरी बड़ी कठिन परीक्षा थी। इधर तो अग्नि पर ध्यान रखना पड़ रहा था और उधर तो आत्मा गुरुदेव के कृपा के सागर की प्रत्येक लहर पर सवार होकर भीतर और भीतर की यात्रा कर रही थी। आत्मा भीतर खींच रही थी, शरीर बाहर खींच रहा था, क्योंकि अग्नि पर ध्यान रखना पड़ रहा था। फिर मैंने निर्णय लिया, बैठने से अग्नि पर ध्यान रखना कठिन है। मैंने घूमने का निर्णय लिया और मैं गुरुदेव की परिक्रमा करने लग गया और मेरा यह निर्णय और भीतर की ओर ले जाने लग गया। मेरी स्थिति तो बाहर आने की जगह और अंदर जाने लग गई और रात में तो ऐसा अनुभव होने लग गया कि गुरुदेव भी अग्नि के गोलाकार में हैं। उनके आसपास भी एक सुनहरे रंग का आग का गोला घूम रहा था। वह गोला आग से भी अधिक प्रकाशमान था, पर उस आग में शीतलता थी। उस आग के गोले में एक तरह का आकर्षण था। मैं घूमकर परिक्रमा तो कर रहा था, पर मेरा ध्यान उस आग के गोले की तरफ था जो गुरुदेव के आसपास 10-15 फीट के एरिया में घूम रहा था। उस आग के गोले के सामने मेरी जलाई गई आग भी फीकी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो एक सूरज ही धरती पर उतर आया हो। सुबह सूर्योदय के समय सूरज जैसे उगते हुए आकर्षक लगता है, ठीक वैसे ही वह आग का गोला था जिसका प्रकाश कम अधिक क्षण क्षण में हो रहा था और उस प्रकाश के साथ चैतन्य की लहरें भी हिलोरे मार रही थी। चैतन्य की लहरियां भी उस प्रकाश के साथ कम और ज्यादा हो रही थी। बाद में तीसरे दिन से तो मानो एक अलग ही विश्व की अनुभूति हो रही थी। तीसरी रात में गुरुदेव के आसपास का प्रकाश और बाहरी अग्नि का प्रकाश एक रूप हो गया था। दोनों के बीच वास्तव में बहुत अंतर था, पर प्रकाश में कोई अंतर नहीं था। दोनों के प्रकाश एक रूप हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो सूरज ही धरती पर उतर आया हो। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। वहां जंगल में कोई अन्य प्रकाश न होने के कारण यह प्रकाश का पुंज बड़ा प्रभावशाली लग रहा था और धीरे धीरे मेरे भीतर भी कुछ हलचल होने लग गई। मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्पंदन होने लग गए और वे स्पंदन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लग गए। आसपास इतनी गर्मी थी, आग थी, और मेरे भीतर रीढ़ की हड्डी में कोई चेतना का प्रभाव ऊपर की ओर उठ रहा था जो एकदम ठंडा था। मुझे उस अनुभूति पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं बार बार पीठ को हाथ लगाकर देख रहा था कि जो भीतर अनुभव हो रहा है वैसा ठंडा वास्तव में कुछ है क्या, लेकिन हाथ से छूने पर कुछ भी नहीं लग रहा था और नीचे से ठंडी ठंडी संवेदनाएं लगातार गर्दन की ओर आ रही थी। यह अनुभव मुझे पहली बार हुआ था। आज तक का सारा ज्ञान भी बता नहीं पा रहा था यह क्या है, यह क्या घटित हो रहा है, यह हो क्या रहा है, यह क्यों हो रहा है। यह स्पंदन गर्दन से सिर पर तालु भाग तक जा रहा था। अब तालु भाग पर भी स्पंदन हो रहा था। सारे शरीर में चैतन्य का रोमांच अनुभव हो रहा था। इस प्रकार का अनुभव प्रथम बार हो रहा था। बुद्धि के ज्ञान कोश में ऐसा कोई अनुभव नहीं था जिससे इस अनुभव की तुलना की जाए। यह अनुभूति अतुलनीय थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर पर से मेरा सारा नियंत्रण ही
चला जाएगा। मैं फिर भी घूम घूम कर अग्नि जल रही है या नहीं यह बराबर देख रहा था। यह मेरी भी एक प्रकार से अग्नि परीक्षा ही थी। बाहर भी अग्नि परीक्षा और भीतर भी अग्नि परीक्षा, दोनों तरफ से ही यह अग्नि परीक्षा थी। इतने समय से अग्नि के आसपास रहकर भी कहीं भी अग्नि की गर्मी मालूम नहीं पड़ रही थी। मेरे लिए यह एक आश्चर्य था। फिर सुबह सूर्योदय के समय धीरे धीरे गुरुदेव ने अपनी समाधि पूर्ण की और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और गुरुदेव समाधि के बाहर आए। वे जैसे ही अग्नि को पार कर गोले के बाहर आए, वैसे ही मैंने उनकी चरण वंदना की और कहा, आपकी कृपा में मुझे बड़े दिव्य अनुभव 3 दिनों तक हुए। ऐसे अनुभव जीवन में कभी नहीं हुए थे। वे केवल मुस्कुरा दिए। यह 3ों दिन की समाधि में मैं तुम्हें चित्त में लेकर कर रहा था। चित्त से तुम भी मेरे साथ थे। तुम चित्त से मेरे साथ रहो और तुम्हारा चित्त और कहीं न जाए, इसीलिए मैंने ये 3 दिन अग्नि जलाने का कार्य तुम्हें सौंपा था। अग्नि की देखरेख के बहाने से तुम्हारा चित्त अग्नि पर रहे और वह अग्नि के समान पवित्र बने, चित्त बाहर अन्य जगह न चला जाए, इसीलिए यह सब किया था। यह जो तुम्हें अनुभव कराया, यह मैं जीवन में केवल एक ही बार और एक ही व्यक्ति को करा सकता था। इसमें मैंने मेरी साधना से संभाल कर रखी हुई प्राण शक्ति की धरोहर तुम्हें सौंप दी, क्योंकि मुझे यह सौंपने के लिए तुम ही सबसे अधिक उपयुक्त लगे। मैंने कहा, मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ। वे बोले, यही तुम्हारी महानता है। बीज कितना भी अच्छा हो, अच्छे पेड़ का हो, जब तक अच्छी उपजाऊ जमीन नहीं मिलती, बीज बेकार होता है। ठीक इसी प्रकार मेरी प्राण ऊर्जा कितनी भी प्रभावशाली हो, जब तक उसे जीवंत रखने वाला नहीं मिलता, उसे वृद्धिगत करने वाला नहीं मिलता, तब तक वह मेरे पास बेकार ही है। तुम मेरी ऊर्जा शक्ति की उपजाऊ भूमि हो। अब तुम्हें यह सौंप कर मैं धन्य हो गया हूँ। तुमने उसे ग्रहण कर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मेरा तो जीवन ही सार्थक हो गया। मेरी साधना आज फलीभूत हो गई। आज ऊर्जा एक से अनेक में पहुंच गई है। तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो, पर मैं जानता हूँ। पर मैं भी एक सीमा में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं जानकर भी बता नहीं सकता हूँ। समय आने पर पता चल ही जाएगा। अभी सूर्योदय होने में समय बाकी है। सूर्योदय होने के बाद सूरज का पता दुनिया को हो ही जाएगा। गुरुदेव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर रहे थे। वे आज बड़े खुश थे। उन्होंने बड़ी खुशी से बताना शुरू किया। मुझे भी यह अनुभूति अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई थी और उन्हें उनके गुरुदेव से प्राप्त हुई थी। ऐसा परंपरा से ही चला आ रहा था। अनुभूति प्राप्त होना गुरु की कृपा में होता है और उसी कृपा रूपी लहर को पकड़े रखना ही जीवन में कठिन होता है, क्योंकि कृपा पाना क्षणभर की बात है, लेकिन उस कृपा को बनाए रखना सारे जीवन भर की साधना होती है और उसके लिए हमें कई त्याग करने पड़ते हैं, कई बातें जीवन में छोड़नी पड़ती है, या यूं कहा जाए छूट ही जाती है, क्योंकि तुम्हारा उद्दिष्ट उस कृपा को बनाए रखने का ही बन जाता है। तो स्वाभाविक है अपने जीवन के उद्दिष्ट के आगे बाकी सब बातें कोई मायना ही नहीं रखती है। सारे जीवन भर एक ही बिंदु को पकड़ कर रहना इसलिए संभव हो जाता है क्योंकि अपनी दुनिया ही छोटी हो जाती है। सारी दुनिया ही उस बिंदु के भीतर समा जाती है। उस बिंदु के बाहर कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। मनुष्य का सर्वस्व
वही हो जाता है, और जिस मनुष्य का सर्वस्व गुरु कृपा हो जाए उसे पता भी न चलेगा उसका सर्वस्व गुरु कृपा हो गया है। लेकिन बाहर वाला व्यक्ति गुरु कृपा से अलग रहकर सोच सकता है कि गुरु कृपा ही मनुष्य के लिए सर्वस्व कैसे हो सकती है। जो भीतर है उसकी दुनिया उतनी ही है, वह बाहर की दुनिया को देखना ही नहीं चाहता, और जो बाहर है वह भीतर की दुनिया को नहीं जानता, उसके लिए भीतर की दुनिया का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो भीतर गया ही नहीं वह भीतर की दुनिया को क्या जाने, ऐसा विरोधाभास होता है। लेकिन जो भीतर जाता है वह बाहर की दुनिया से भीतर गया है, वह बाहर की दुनिया को भी जानता है और अंदर की दुनिया को भी जानता है, क्योंकि भीतर तो वह है ही, इसीलिए उसे दोनों का ज्ञान होता है। भीतर वाला बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में गया और वही रह गया, वापस बाहर की दुनिया में आया भी नहीं। यानी हम कल्पना कर सकते हैं वह भीतर की दुनिया अधिक श्रेष्ठ होगी, अधिक प्रिय होगी, अधिक शांति देने वाली होगी। तभी तो जो मनुष्य बाहरी दुनिया से भीतरी दुनिया में गया वह गया। जितनी बड़ी बाहरी दुनिया है उससे भी गहरी भीतरी दुनिया है, और उस दुनिया में बाहर वापसी का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने वापसी के रास्ते बंद करके ही आगे बढ़ता है ताकि भीतर अधिक प्रगति कर सके। मेरा भी ऐसा ही हुआ। जो एक बार भीतर उतरा तो गुरु कृपा के सहारे भीतर उतरता ही चला गया, भीतर और भीतर उतरता ही चला जा रहा था। कृपानंद स्वामी नमो नमः, बाबा स्वामी नमो।
साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ॐ श्री शिवकृपानन्दस्वामी नमो नमः। ॐ श्री शिवकृपानन्द स्वामी 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 नमो नमः। अपने चित्त को तारुभाग पर रख के ध्यान करो।
प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे, पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी आत्माएं पूर्ण भाव के साथ प्रार्थना करते हैं कि महाराष्ट्र में स्वयं गुरु शक्तियों का आगमन, श्री गुरु शक्ति धाम के माध्यम से हो। हमारे गुरुदेव स्थायी रूप से महाराष्ट्र में अपनी शक्तियों को स्थापित करें, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है। अगर हमसे कोई भूल या गलती हुई है तो हमें क्षमा करें गुरुवर। स्वामी जी, आप तो करुणा के सागर हैं, आप ही हमारे गुरु माहौली है, आप हमें स्वीकार करें, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। आप हमारे भीतर केवल उस भावना, श्रद्धा और आत्मीयता को जगाए कि हम सभी एक दूसरे से आत्मीयता से जुड़े रहे, यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। Na na na।
शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। Om Swami Namo Namah.
नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ओम स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः ॐ स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी नमो नमः श्री सद्गुरु स्वामी नमो नमः स्वामी नमो नमः श्री स्वामी नमो नमः बाबा स्वामी